आदिवासी जनजातियों का महान पर्व करम पूजा का आज द्वारस के विभिन्न नदियों के घाट में अत्यंत श्रद्धापूर्वक करम देवता का विसर्जन कार्यक्रम किया गया। लेकिन वहीं बानरहाट थाना अंतर्गत डैना नदी के घाट पर पुलिस प्रशासन द्वारा करम पूजा विसर्जन हेतु बनाए गए अनुष्ठान मंच को तोड़े जाने के आरोप में इलाके के आदिवासी समाज काफ़ी रुष्ट हो गए हैं। कई आदिवासी युवकों ने इस घटना के प्रतिवाद में प्रायः 1.5 घंटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग डैना ब्रिज के नज़दीक में अवरोध करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के प्रति विरोध प्रकट किया। इस घटना को लेकर कुछ देर काफ़ी उत्तेजना भी देखी गई। जिला DSP क्राइम विश्वजीत लामा के नेतृत्व में भारी पुलिस वाहिनी वहां पर पहुंचकर विरोध कर रहे युवकों को किसी तरह समझा बुझाकर सड़क अवरोध को उठा लिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष डैना नदी के घाट पर अत्यंत भव्यता के साथ करम पूजा का विसर्जन कार्यक्रम होता है। घाट पर बानरहाट क्षेत्र के कई चाय बगान के आदिवासी समाज के लोग करम विसर्जन के लिए लगभग 24 चाय बगानों के लोग हजारों की संख्या में उपस्थित होते हैं। इसी करम पूजा के विसर्जन कार्यक्रम को लेकर अनुष्ठान मंच गत 12-13 दिनों से बनाया जा रहा था, लेकिन कल रात अचानक पुलिस प्रशासन पर उस अनुष्ठान मंच एवं पंडाल को तोड़ने का आरोप लगा है। आज सुबह काफ़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिलाएं करम विसर्जन कार्यक्रम में उपस्थित होने पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के प्रति करम पूजा के उपस्थित होने पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। इस घटना को केंद्र करके काफ़ी समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग में घंटों दोनों तरफ से वाहनों की लंबी जाम देखी गई। डैना नदी के घाट पर करम विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री श्री जॉन बारला ने भी राज्य पुलिस की इस कार्रवाई के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आदिवासी जनजाति के करम पूजा के अवसर पर इस तरह की पुलिस कार्रवाई राज्य सरकार की बर्बरता को दर्शाता है। इस घटना से पूरी आदिवासी समाज आहत हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी जगह करम पूजा का विसर्जन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ पालन किया जा रहा है, लेकिन बानरहाट के डैना नदी तट पर करम पूजा विसर्जन को लेकर प्रशासन को क्या आपत्ति थी? केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने बताया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासन को मोहरा बनाकर इस प्रकार की घटना इस जगह में करवाया है। इससे पूरे आदिवासी समाज की अवहेलना हुई है एवं आदिवासी समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, जिससे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। आयोजक कमेटी के ओर से विनोद तिग्गा ने बताया, करम पूजा पर राजनीति करके इस तरह के पंडाल तोड़ा जाना ठीक नहीं है। इस घटना से पूरा आदिवासी समाज को गहरा आघात एवं चोट पहुँचा है। सिर्फ डैना नदी पर ही इस प्रकार की बाधा प्रशासन द्वारा क्यों हुई, इसका जवाब आदिवासी समाज चाहता है। वहीं इस विषय पर राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग के राज्य कल्याण मंत्री बुलू चिक बरेक ने बताया, इस पर भाजपा राजनीति कर रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस जगह पर अशांति होने की संभावना को भांपते हुए इस जगह पर अनुष्ठान निषेध किया गया था, जबकि करम विसर्जन के लिए किसी भी तरह की बाधा नहीं थी। वहीं जिला के पुलिस सुपर ने इस विषय पर किसी भी प्रकार की मंतव्य देने से इनकार किया है। यह बता दें कि करम पूजा के विसर्जन कार्यक्रम को लेकर डैना एवं उदलाबाड़ी तथा कालचीनी से आगे डीमा नदी के तट पर भव्य रूप से करम पूजा का अनुष्ठान किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री श्री जॉन बारला का भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भव्य रूप से
प्रोग्राम किया गया जहां पर किसी भी प्रकार की पुलिस द्वारा बाधा नहीं की गई। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज, यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। देखिए आज हमारा बहुत बड़ा आदिवासी समाज का त्यौहार है। आज के दिन में बीते कल हमारा करम पूजा मनाते हैं और आज के दिन में नदी नाला में हम लोग विसर्जन करते हैं। तो आज हमारा इस घीस नदी में हम लोग आज विसर्जन करने के आए हैं। इस क्षेत्र से बसोबास करने वाला आदिवासी समाज सब मिलके आज आनंद अपना संस्कृति वेशभूषा बचाने के लिए हम लोग आनंद आज मना रहे हैं। आज गायना में कल देखा पुलिस देखिए ये तो आदिवासी साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आदिवासी समाज को दबाने के लिए दीदी का सरकार इस प्रकार से कर रहा है। बहुत घिनौना काम हुआ है। आदिवासी समाज जब कोई कुछ करना चाहता है, उठना चाहता है, गिरा हुआ समाज जब उठना चाहता है, कुछ करना चाहता है तो ये सरकार हमेशा बाधा डालती है। ये जो करके कल जो रात को जो घटना घटा है हमारा डायना नदी में, क्योंकि 12 तारीख से इसका पुलिस के साथ बैठ के ये बनाने का बात हुआ था, तो दो बार इसका मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद बोला भी कि आप लोग काम कीजिए, लेकिन जब काम चल रहा है, इतना दिन काम चल गया, 5 दिन जब कंप्लीट हो गया, कल पूरा कंप्लीट हो गया, रात को 8 बजे आके पूरा पुलिस प्रशासन, हो सकता है ये पश्चिम बंगाल सरकार दीदी सरकार का निर्देश से ही ये हुआ है, नहीं तो पुलिस हमारा साथ कोऑपरेशन कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति घुस गया है। आज हम दिल्ली से वापस आए हैं हमारा समाज से भेंटवाट करने के लिए, यार इतना बड़ा उत्सव है, हम हमेशा समाज का बीच में रहता है, इसीलिए आज आए हैं। इसीलिए दीदी को लगा ना इसका बाधा, लेकिन इस बाधा से हमारा समाज को नहीं रोक सकता है। ये अच्छा, दाना में जो रोड ब्लॉक किया गया है उसके बारे में देखिए, इसके बारे में देखिए, वहाँ का आम जनता का आक्रोश है। क्यों इतना बड़ा त्यौहार 2005 से लगातार होते आ रहा है, बीते साल कोविड के कारण से नहीं हुआ, इस बार सब जगह हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं पर भी फिर भी हम जहाँ पर जोन बल्ला का नेतृत्व में वहाँ बाधा दिया जा रहा है। आखिर में क्यों हम एक दूसरे से मिल के इस समाज को उठाने के लिए काम करें ना, इसमें एक क्यों इस प्रकार से हमारा आदिवासी समाज को दबाया जाएगा। आज वहाँ पर आक्रोश देखिए, वहाँ का आम जनता, आम यहाँ हमारा आदिवासी समाज का भाई बहन वहाँ पर मजबूर होके कि हमारा पुलिस प्रशासन जहाँ सहयोग करना चाहिए उस जगह पुलिस प्रशासन बाधा दे रही है। जहाँ एक एक रुपया जोड़ के ये पेंडल है ना मंडप हम लोग बनाते हैं, आज आदिवासी समाज कितना मेहनती जात है और एक एक रुपया जोड़ के ये पेंडल उंडल बनाया था, उसको भी पुलिस प्रशासन जाके तोड़ दिया। ये बहुत घिनौना काज हुआ है, ये हम लोग ये आशा नहीं किए थे, लेकिन आने वाला दिन अच्छा नागरकटा जलढका नदी पे हो रहा है। हाँ, वहाँ पर कर रहा है, वहाँ TMC वाला आज पेंडल बना रहा है, इतना दिन तो नहीं किया था, हमको निर्देश दिया 5 दिन पहले, फिर आज हमको तोड़ा जा रहा है क्यों। और नागरकटा वहीं TMC वाला करेगा तो ठीक है, TMC करे तो रसलीला, और हमारा BJP वाला करे तो अरे यहाँ पर BJP का बात ही नहीं है, यहाँ पर BJP का बात नहीं है, यहाँ TMC का बात नहीं है, कोई CPM का कांग्रेस का बात नहीं है, आदिवासी समाज का बात है, समाज को तोड़ने वाला यहाँ काम हुआ जाए। जो कार्यक्रम होता है वो तो सब না এখানে ডানা ব্রিজের সামনে এখানে বিনোদ স্টিকার কিছু আদিবাসী লোকজনকে নিয়ে এখানে একটা বেআইনি পথ অবরোধ করলো, তাদেরকে তোলানোর জন্য আমরা এখানে এসেছি, এখন রাস্তা ক্লিয়ার আছে। এটাই বিনোদ টিগা না তো মানে BJP সে দাদা আমি আমলোক তরাই ডুয়ার্স কা জিতনা ভি আদিবাসী হ্যাঁ, तराई डिवस में रहने वाला बिहारी हो, तराई डिवस में रहने वाला मारवाड़ी हो, तराई डिवस में रहने वाला नेपाली हो, तराई डिवस में रहने वाला गोरखा हो, सबको एक ऐसे सूत्र मान के हम लोग दिया है। हम लोग विगत 7 साल से हम लोग शुरू किया है तमाम सांस्कृतिक प्रोग्राम के एक जगह लाने के लिए, 2007 से एक जगह लाने के लिए, और हो रहा है आज में
आज के दिन में गरकटा में भसान प्रोग्राम हो रहा है, आज के दिन में नगरगढ़ में हो रहा है, माल बाजार में हो रहा है, राजाबाद को हमें कालचिनी में हो रहा है। डायना में बंद क्यों किया गया, क्यों किया गया, क्यों किया गया? ये पुलिस प्रशासन बंद किया गया। विगत 12 तारीख से पैनल बन रहा था, नहीं किया, कल 10 बजे रात को आकर तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा 10 बजे रात को? सेक्रेटरी प्रेसिडेंट क्यों नहीं बोला गया कि भाई ये तो नहीं हो सकता है, ये तो तोड़ दो। हाँ, ये नहीं हो सकता है, तोड़ दो। क्यों नहीं बोला गया? वो लोग खुद आके क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्या दिखाना चाहता है प्रशासन? प्रशासन क्या दिखाना चाहता है? जोन बरला एक व्यक्ति है, जोन बरला एक बीजेपी का मेंबर है, उसके विरोध में जा सकता है, लेकिन आज आदिवासी के विरोध में क्यों टीएमसी किया? क्यों किया टीएमसी? प्रशासन क्यों किया? जोन बरला का मौत कर दो, उसको गोली मारो, उसको फांसी मारो, अलग बात है, जोन बरला अलग बात है, लेकिन आज आदिवासी का छोटा छोटा बच्चा को सबको तोड़ा गया, उसका अरमान को तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? आज शाम तक सारा चीज होगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। आज प्रशासन क्यों नहीं है? आप मीडिया है, प्रशासन क्यों नहीं है? बुलाइए पुलिस को, बुलाइए जिसने तोड़ा है उसको, बुलाइए। क्यों नहीं तोड़ा, क्यों नहीं आया 10 बजे, क्यों नहीं बुलाइए उसको? नगरकटा में बनाया है उसका भी तोड़ो जाके, हम लोग देगा जवाब उसको, क्यों नहीं 10 बजे? आप लोग कैसे जवाब देंगे इसका? जवाब हम लोग ग्राउंड लेवल में देंगे, ग्राउंड लेवल में देंगे उसका, ग्राउंड लेवल में देंगे। पुलिस रास्ता में यहाँ आना पड़ेगा, पुलिस वहाँ आएगा रास्ता। क्यों तोड़ा गया? क्यों